पहुंचने के बाद अब 18 जून को मॉनसून छत्तीसगढ़ में दस्तक देगा। मिली जानकारी के मुताबिक यह सबसे पहले बस्तर पहुंचेगा, फिर बस्तर से राजधानी आने में 2 दिन का समय लगेगा। रायपुर मॉनसून 20 जून के आसपास पहुंचेगा। वहीं इसको लेकर मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा है। मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून अभी कोच्चि और मदुराई के पास स्थित है। मॉनसून छत्तीसगढ़ के लगभग 18 जून के आसपास आने की संभावना है। मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। करीब एक हफ्ते की देरी से मानसून केरल पहुंचा है। हालांकि छत्तीसगढ़ कब तक मानसून पहुंचेगा, इस बात को जानने के लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक जनक राम साहू जी हमसे जानते हैं कि आखिरकार छत्तीसगढ़ कब पहुंचेगा मानसून। सर, कब तक उम्मीद की जा रही है मानसून के पहुंचने की? मानसून जो है कल जो है केरल में दस्तक दे दिया है और वो अभी अमिनी द्वीप, कोच्चि और मदुराई के पास स्थित है और अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है मानसून के आगे बढ़ने की और आने वाले समय में मतलब 48 घंटे के अंदर थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा और ये छत्तीसगढ़ में लगभग 18 तारीख के आसपास आने की संभावना है। 2 दिन आगे या पीछे हो सकता है। तो सर, छत्तीसगढ़ सबसे पहले बस्तर से शुरुआत होगी क्या? अब बस्तर के बाद राजधानी का इतना टाइम लगेगा इस बीच पहुंचने में? बस्तर आने के बाद ये मान के चलिए 3 दिन कम से कम और लगेगा राजधानी पहुंचने में। बस्तर जो है 18 तारीख के आसपास आएगी और उसके बाद 3 दिन और लगेगा यहाँ। तो मानसून छत्तीसगढ़ करीब 20 के आसपास पहुंच सकता है। हालांकि जो बस्तर इलाका है वो 18 जून के पास पास वहां मानसून पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। उसके बाद राजधानी रायपुर आते आते 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। हालांकि जिस तरीके से केरल आने में एक हफ्ते की देरी हुई है उसी तरीके से उसकी वजह से छत्तीसगढ़ में भी 5 से 7 दिन मानसून लेट में आएगा। कैमरामैन रेख राम के साथ हेमंत शर्मा, सुहास रायपुर। सिवनी मालवा में तेज उमस